दिस इज रंजन और मैं करने वाला हूं आज 2022 के सबसे ज्यादा हाइप फोन का रिव्यू यानी कि नथिंग फोन 1 के बारे में। इसके अंदर क्या एस्पेक्ट्स मिलते हैं आपको और इसके जो लिफ्ट लाइट्स हैं वो कितने यूजफुल है हमारे डे टू लाइफ के अंदर, हम इन सारे टॉपिक्स पे करेंगे आज डिस्कस। सबसे पहले आपको बता दूं, फोन 1 जो है वो नथिंग के साइड से पहला फोन लॉन्च है। इससे पहले नथिंग ने सिर्फ अपने एक ईयरबड्स लॉन्च किया है जो कि बैक इन 2021 उन्होंने लॉन्च किया था, और इसके जो फाउंडर हैं कार्ल स्पाई वो वनप्लस के भी को फाउंडर रह चुके हैं। नाउ गेट बैक टू द टॉपिक, अगर आपका बजट 30,000 से 35,000 रुपए के आसपास है और आपको एक गुड लुकिंग फ्लैशी फोन चाहिए विद सम कूल स्पेक्स, देन आप डेफिनेटली इस फोन के साथ मूव कर सकते हो। नथिंग फोन 1 के डिजाइन ओवरव्यू के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर आपको 6.55 इंचेस का ओएलईडी डिस्प्ले मिलता है विद 120 हर्ट्ज ऑफ रिफ्रेश रेट। इसकी जो बैक है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होने वाली है और साइड का जो फ्रेम है वो आपको एल्युमिनियम के मिलने वाले हैं। इस फोन के अंदर आपको गोरिल्ला ग्लास का सपोर्ट मिलता है फ्रंट और बैक दोनों ही साइड। इस फोन के बैक में 900 एलईडीज के साथ जो पैटर्न बना हुआ है उसे ग्लिफ पैटर्न कहते हैं। ये फोन जो है आपको IP53 रेटिंग भी मिलती है जो कि स्प्लैश और डस्ट प्रूफ भी है। इस फोन की प्रोसेसर की बात करें इसके अंदर आपको 778G+ का सपोर्ट मिलता है जो कि 6 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पे बेस्ड है। ये एक 5G प्रोसेसर है और आपको पूरे 12 5G बैंड का सपोर्ट भी मिलता है। अगर हम इस फोन के अंततो स्कोर के बारे में बात करें तो ये 54 लाख के अराउंड आते हैं जो कि आपको काफी अच्छा और दमदार परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेंगे। गेमिंग भी इसके अंदर आप हाई रेजोल्यूशन पे प्ले कर सकते हो विदाउट एनी लैग। लेट्स टॉक अबाउट द कैमरास। इसके अंदर आपको 50+50 मेगापिक्सल का ड्यूल रियर कैमरा सेटअप मिलता है। जो मेन सेंसर है वो सोनी का होने वाला है एंड जो सेकेंडरी कैमरा है उसे आप डेप्थ या फिर अल्ट्रा वाइड के रूप में भी यूज कर सकते हो। फ्रंट में आपको 16 मेगापिक्सल का पंच होल कैमरा मिलने वाला है जिसके थ्रू आप फुल HD रिकॉर्डिंग कर सकते हो। रियर कैमरे के साथ आप 4K 30fps तक रिकॉर्ड कर सकते हो। इसके अंदर आपको नाइट मोड, नाइट विजन फ्रंट और रियर दोनों कैमरे में मिलते हैं। 4500mAh की बैटरी मिलती है विद 33W ऑफ फास्ट चार्जिंग। दो कलर वेरिएंट के अंदर ही अवेलेबल है, एक ब्लैक और एक व्हाइट। व्हाइट बेसिक आपको देखने में काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। 3 स्टोरेज वेरिएंट के अंदर ही आता है 8128, 12128 और 12256GB। 15W की वायरलेस चार्जिंग मिलती है इसके अंदर आपको और 5W का आप रिवर्स वायरलेस चार्जिंग भी यूज कर सकते हो। इसके अंदर आपको Wide 1 L1 का सपोर्ट मिलता है। नेटफ्लिक पे HDR स्ट्रीमिंग या फिर HDR स्ट्रीमिंग आप कर सकते हो और साथ ही साथ इसमें आपको UFS 3.1 स्टोरेज टाइप का सपोर्ट मिलता है। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मेन फीचर यानी कि ग्रिप लाइट्स के बारे में हम बात करते हैं। इसके कितने यूजेस हैं हमारे डे टू डे लाइफ में, ये आपके लिए डेफिनेटली अच्छा साबित होगा अगर आप बोर हो चुके हैं वैसे ही पुराने घिसे पिसे एंड्रॉइड के डिजाइन देखकर तो। बट इन रियलिटी हम मोस्ट ऑफ द टाइम अपने फोन को साइलेंट मोड में रखते हैं या फिर अपने पॉकेट्स में रखते हैं, तो ये ग्रिप लाइट्स उस समय बिल्कुल यूजलेस साबित हो जाएगी। अगर आपको नोटिफिकेशंस भी चेक करना है तो आपको अपने स्क्रीन के साइड मूव करना ही होगा। इवन तो ये लाइट्स जो है वो दिखने में काफी अच्छी लगती है एंड जब आपके फोन का रिंगटोन बजता है तो उसके साथ सिंक्रोनाइज करके ये काफी ज्यादा अच्छा लुक प्रोवाइड करता है आपके फोन को। बेसिकली अगर आप मार्केट में जा रहे हो, आपने अपने फोन को कहीं उल्टा करके रखा है तो डेफिनेटली दो लोग आपसे पूछने ये बात जरूर आएंगे कि भाई ये कौन सा फोन है। अगर हम बात करते हैं कॉम्पिटिशन फोन के बारे में कि कॉम्पिटिशन फोन हमें क्या प्रोवाइड कर रही है और नथिंग फोन हमें क्या दे रहा है, तो नथिंग फोन हमें इस मैटर में सिर्फ एक ग्लिफ लाइट दे रहा है और कुछ भी नहीं। इसके अंदर जो चार्जर है आपको 33W का मिलता है जबकि कॉम्पिटिशन आपको 60W या 80W के चार्जर जो है वो इन बॉक्स देती है और नथिंग फोन के अंदर आपको कोई भी चार्जर बॉक्स के अंदर नहीं मिलता है, वो आपको सेपरेटली परचेस करना पड़ेगा। ये लाइट्स काफी हद तक यूजफुल नहीं है हमारे डे टू डे लाइफ में। नथिंग फोन 1 के ग्लिफ लाइट्स जो है ना वो उतने यूजफुल नहीं है हमारे डे टू डे लाइफ में जितना कि हाइप करके बताया गया था इसे। हाँ, इसकी मार्केटिंग बहुत अच्छी हुई जिसके कारण से ये फोन इतना पॉपुलर है आज के दिन में। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस के लिए मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन स्टे हैप्पी।